नमस्कार, मैं अनुज पाल, के क्या न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भोपाल के थाना छोला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तस्करों के पास से लगभग 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस उप आयुक्त भोपाल हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अवधेश गोस्वामी द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त श्रुत कीर्ति सोमवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जॉन चार मलकी सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त निषादपुरा ऋषा जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना छोला मंदिर सुरेश चंद्र नागर व उनकी टीम को थाना छोला मंदिर क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ तस्करों की तलाश पतारशी में लगाया गया था, जिसके बाद दो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्देश दिए गए थे कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उक्त सूचना में आज मुझ TI द्वारा एक टीम गठित कर इलाके में सर्चिंग भेजा गया था। तभी मुझे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि टेकरी मंदिर के पीछे दो व्यक्ति एक काले रंग का बैग और एक स्कूल पिट्ठू बैग लिए और मोटरसाइकिल के साथ खड़ा है, जिसकी सूचना की मैंने पुलिस टीम बनाई जाकर मौके पर भेजा गया तो उक्त दोनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे। तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें घेर कर पकड़ा, उनके बैगों की तलाशी ली गई तो बड़े वाले बैग में 8 किलो गांजा करीबन मिला एवं पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 5 किलो 345 ग्राम गांजा मिला। उक्त अवैध मादक पदार्थ रखने बाबत उक्त दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछ लासन चाह तो ना बता होना बताया। उन व्यक्तियों के नाम पता पूछा तो एक का नाम बहादुर सिंह उर्फ महेश, दूसरे ने अपना नाम सादिक खान निवासी गढ़ भोपाल के बताए, जिसके संबंध में मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मैं उड़ीसा से नया चेचिस ट्रक बॉडी ट्रक लेकर आता हूं, वहीं से गांजा खरीद कर लाता हूं और खरीद के लाता हूं और सादिक खान को उक्त गांजा बेचने के लिए खपाता हूं, फिर जो भी फायदा होती है उसमें आधा आधा बांट लेते हैं। आरोपी गणों का यह कृत्य धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से मौके पर भी कार्रवाई की गई। बाद आरोपी गणों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गणों को जेल वारंट बनाए जाकर जेल दाखिल किया गया। आरोपी कहां के रहने वाले? आरोपी दोनों आरोपीगढ़ बहादुर सिंह बरसिया का रहने वाला है एवं सादिक खान खाना सैया कोकता इंदौर बाईपास भोपाल का रहने वाला है। सर, आरोपी का पूर्व में रिकॉर्ड? अभी वर्तमान में पूर्व को रिकॉर्ड नहीं है, थाना RSS को मैसेज दी गई है, सूचना दी गई है, जैसे कि संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त होता है तो डायरी में संलग्न किया जाएगा। सर, लगभग कितना मशरूम का बरामद किया है? करीबन 13 किलो 345 ग्राम अवैध रूप से गांजा पाया गया है। सर, इसकी कीमत क्या होगी? कीमत करीबन 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए होगी। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए KKR न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।